जटाशंकर धाम के अंतर्गत ग्राम पंचायत डिलारी का ये है अमरपुरा स्कूल। लेकिन यहाँ अंदर का दृश्य देखकर आपको स्कूल कम तबीला ज्यादा नजर आएगा। दरअसल यहाँ अमरपुरा स्कूल में भैंसे बांधी जाती हैं, गाय बांधी जाती हैं और बैल भी बांधे जाते हैं। और इसी स्थिति में शिक्षक गोबर भूसा और घास के बीच बच्चों को पढ़ाते हैं। अब गंदगी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के स्कूल को गांव के ही गणपति यादव ने तबेला बना डाला है। कई बार तो मच्छरों के काटने से यहाँ बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। जब शिक्षक प्रहलाद सिंह से पूछा गया कि आप स्कूल में भैंस क्यों बांधते हैं, तो शिक्षक ने बताया पूर्व सरपंच गणपत यादव अपनी भैंसों को यहाँ बांधते हैं। गणपत यादव से कई बार बोलने पर भी मानने को तैयार नहीं है, उन्हें शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस दृश्य को देखकर आपको ताज्जुब होगा कि एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार स्कूल चले हम अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 7 साल गांव के सरपंच रहे गणपत यादव स्कूल में बच्चों को भेजने की जगह भैंसे बंधवा रहे हैं। अब देखना यह है कि स्कूल के जिम्मेदार अध्यापक कब तक उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत करते हैं और आखिर गणपत यादव की अकल कब ठिकाने आती है कि ये बच्चों के पढ़ने का स्कूल है तबेला नहीं है। नाम क्या है आपका? हमारा पहला सिंह। फसा जी, मतलब स्कूल में मतलब इतनी मतलब गंदगी है, मतलब घास भी है जी, और मतलब गोबर भैंसियाँ बनती हैं, तो मतलब आपने नहीं बोला कि उनसे कि मतलब कि मतलब ये क्या है स्कूल में? नहीं बोला बोला है हमने उनसे कई बार। हाँ, तो वो कहते हमारी जमीन है, हमने जी स्कूल के लिए दी थी, जब की ये जमीन उनके नाम हम कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन वो मानते ही नहीं है। 2-3-4 साल से जो इनने बाउंड्री छुड़वा दी थी जी, जो जानकी सर थे यहाँ पहले बनवाई थी। हाँ, हाँ। तो बस वो मानते ही नहीं है, वो यहाँ मजे की बांधते है पति को जी। मतलब जी मतलब भैंसियाँ किसकी बनती है? गणपत यादव की। अच्छा, मतलब जी मतलब पूर्व मतलब सरपंच रहे पहले? हाँ, 7 साल सरपंच रहे ये गणपत यादव की यहाँ बनती है। तो कहने की बात भी ये मानते नहीं है, गांव वालों को भी हमने सुनाया तो मानते ही नहीं है। तो आपने मतलब ठीक चौकी में क्यों दी? अब हमने घर इसलिए नहीं दी गए, अब हमने कहा कि चलो ठीक है आपसी का मामला है, जब तक भी मान जाए। तो आपसी का मामला है, पर आप मतलब एक बार चौकी में लिख के तो मतलब देते, चौकी में थाने में लिख के देते आप? नहीं तो अब हम बराबर देंगे, अगर नहीं मानते हैं वो तो हमको देना पड़ेगी, मजबूरन देना पड़ेगी। अगर नहीं मानेंगे तो आप मतलब बाकायदा मतलब चौकी में दो लिख के दो, या मतलब थाने में दो। ठीक है, इसके बाद भी नहीं मान लेंगे तो मतलब फिर आएंगे अपने अधिकारियों को मतलब बताना। नहीं ठीक है, हम FIR करेंगे, नहीं मानते हो तो। ठीक है सर, ठीक है। जटाशंकर धाम से नीलेश तिवारी की रिपोर्ट।